तो कई दिनों से भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्वाइल वाला सरिया का रेट क्या है, क्वाइल वाला सरिया जो 6 mm होता है वो कितने रुपए पीस बिक रहा है, एक पीस का कितना रुपया पड़ता है। इसके बाद ये भी कमेंट आया है कि सर एक बंडल सरिया में कितना पीस होता है। इसके बाद ये भी कमेंट आया है कि सर एक बंडल सरिया में तो कितना पीस होता है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई कितना होता है, एक सरिया की जो लंबाई है वो होती है वो कितना लंबाई होती है, कितना फिट, ठीक है ना। ये भी कमेंट कर रहा है कई दिनों से भाई। और इसके बाद सरिया का रेट तो हम बताते ही हैं और सरिया का रेट भी हम बता ही देंगे आपको कि कितने रुपए क्विंटल सरिया अभी मार्केट में बिक रहा है, कौन से सरिया। इसके बाद आपको ये भी बता देंगे कि बालू का रेट जो है अभी एक ट्रैक्टर बालू लेने पर आपको कितना रुपये आज का मार्केट में बिका है। बहुत से ऐसे भाई हैं जो ये भी कमेंट किए हैं कि सर 700 सेफ्टी का हाइवा बालू लेना है हमको, 700 सेफ्टी वाला ट्रक बालू लेना है वो कितने रुपये मिल जाएगा। कुछ भाई ऐसे हैं जो कमेंट किए हैं कि सर हमको 500 सेफ्टी का ट्रक बालू लेना है वो कितने रुपये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ ऐसे भाई हैं जो 12 चक्का वाले ट्रक से बालू लेना चाहते हैं, वो पूछे हैं कि ये 12 चक्का वाले ट्रक से बालू लेने पर कितना रुपया अभी मार्केट में हमें देना पड़ेगा या कितना रुपया पड़ जाएगा 12 चक्का वाले ट्रक बालू का, इसका भी रेट बताइए। कुछ भाई ऐसे हैं जो ये भी कमेंट किया है कि सर आप बालू गिट्टी सरिया सीमेंट का रेट बताते ही हैं, ईंट का भी रेट बता दीजिए कि ईंट का रेट जो है मार्केट में अभी कैसे चल रहा है। तो आप सभी चीज़ों का रेट नहीं बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों जितने बातें मैं आपको बताया हूँ सभी चीज़ों का रेट बताऊंगा और क्या क्या अभी आपको बता, जो हर चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। अगर आप घर बना रहे हैं ना दोस्तों या फिर घर बनाने के लिए प्लानिंग किए हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले से इकट्ठा कर लेना है जानकारी, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना दोस्तों। ट्रैक्टर से और ट्रक से लेने में बालू ना काफ़ी जो है इसमें अंतर रहता है, ठीक है ना। तो क्या अंतर रहता है वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा या फिर 4 मिनट का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग भागिएगा मत, क्या है ना कि आप लोग वीडियो को 1 से 1.5 मिनट देख करके भाग जाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सी ऐसी जानकारी होता है जो आपको नहीं पता हो पाता है और फिर आप कमेंट करके पूछते हैं। वैसे हम आपको कई सारे वीडियो में ये सभी बातें बताया है, लेकिन फिर भी भाई लोग कमेंट कर रहे हैं इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जो लोग घर बना रहे हैं उनको अगर मार्केट की हर रोज़ की अपडेट मिलेगा बालू गिट्टी सरिया और सीमेंट की, तो काफ़ी फायदा होगा। तो इतना भी तो कर सकते हैं आप, मोबाइल टिपते ही पूरे दिन, तो थोड़ा सा एक बार सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, लोगों को भी फायदा होगा और मुझे भी आप सपोर्ट कर दीजिएगा, तो हम आपके लिए इतना काम करते हैं। तो मेरा भी काम जो है, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तब तक मुझे भी ना वीडियो बनाने में, हाँ आप लोगों का प्यार और सहयोग हमें हर रोज़ मिलता है, इसीलिए ना दोस्तों हम छोड़ते नहीं हैं कभी वीडियो बनाना। तो चलिए ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, अब आपको रेट की क्या क्या जानकारी है वो सारी चीज़ आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं दोस्तों क्वाइल वाली सरिया की। तो क्वाइल वाली सरिया जो है ना दोस्तों 6 mm जो पतला वाली क्वाइल होता है, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। तो क्वाइल वाला सरिया जो है ना मार्केट में जैसा ब्रांड का लीजिएगा वैसा रेट है। अगर आप लोकल में लीजिएगा बाल मुकुंद मगध का कामधेनु का जितने भी सरिया होते हैं ना सभी का 6 mm होते हैं और सभी का सरिया का क्वाइल वाला सरिया भी है ना, हर एक कंपनी अपना अपना जो है रखे हुए हैं, निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको 6 mm बाल मुकुंद का लेते हैं तो 130 रुपये का एक पीस मिलेगा, ठीक है ना। मगध का लेते हैं तो 125 रुपये का एक पीस मिल जाएगा। इसके बाद कामधेनु सरिया का लेते हैं 6 mm क्वाइल वाली सरिया तो ये आपको 130 रुपये में मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं केटू सरिया का, 120 रुपये का एक पीस मिलेगा आपको क्वाइल वाली सरिया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये रेट अभी क्वाइल वाला की चल रहा है 120, 125, 30, 35, 40 तक चल रहा है, ठीक है ना लोकल में। अगर आप ब्रांडेड सरिया का लेंगे क्वाइल वाली सरिया, जैसे कि हो गया टाटा श्याम स्टील हो गया, कैप्टन स्टील हो गया, सूर्या स्टील हो गया, ये वाली अगर ब्रांडेड सरिया का अगर आप लीजिएगा 6 mm में क्वाइल वाली, तो उसका रेट आपको 210, 215, 220, 230 रुपया तक जो है ना आपको एक पीस मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वाइल वाली सरिया ब्रांडेड में 220-225 से कम नहीं मिलेगा आपको, ये बात आप जाकर के मार्केट भी पता कर सकते हैं। वैसे हम हर रोज़ मार्केट जाकर के ही दुकानदार से बातें करके आपको जानकारी देते हैं, ठीक है ना दोस्तों।
तो ये हो गया क्वाइल की बात। अब बात कर लेते हैं, बहुत से भाई का कंफ्यूज रहता है कि सर एक बंडल सरिया में कितना पीस होता है। तो हमने जैसे ही भाई कमेंट करके बोले हैं वैसे हमें पता है, मार्केट जाते रहते तो हम काउंट भी कर लेते हैं कि एक बंडल में कितना होता है। तो देखिए 10 mm का सरिया अगर लीजिएगा तो एक बंडल में आपको 8 पीस होता है, ठीक है ना। अगर आप 12 mm में लेते हैं तो एक बंडल में 6 पीस होता है, ठीक है ना दोस्तों। 12 mm 6 पीस होता है और 10 mm में आपको 8 पीस होता है। तो ये है एक बंडल सरिया का, ठीक है ना। इतने इतने सरिया जो है आपको एक बंडल में मिल जाएंगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक सरिया की जो लंबाई होता है वो कितना फिट होता है। कोई भी सरिया आप लीजिएगा ना दोस्तों तो आपको 40-42 फीट इससे ज़्यादा का जो है ना लंबाई नहीं रहता है सरिया का। 40-42 फीट आपको हर एक सरिया का लंबाई जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप चाहे तो नाप करके भी देख सकते हैं, और या फिर बहुत से ऐसे भाई होंगे जिनको पता भी होंगे कि इतना ही फिट होता है, ठीक है ना। अब चलिए आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि मार्केट में अभी जो रेट है वो सरिया का क्या भाव चल रहा है। तो देखिए अगर आप ब्रांडेड सरिया लेते हैं ना दोस्तों तो ब्रांडेड में टाटा का लीजिएगा तो 815 रुपये का एक पीस आपको मिलेगा, 815 रुपये का एक पीस मिलेगा 12 mm का, ठीक है ना। 525 रुपये का जो है ना आपको 10 mm का टाटा मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं श्याम कैप्टन सरिया की, और इसके बाद जो है ना जो भी ब्रांडेड सरिया लीजिएगा ना दोस्तों तो ब्रांडेड सरिया में आपको वही साथी टाटा का जो रेट चल रहा है ना उससे 10-20-50 रुपया जो है आपको ऊपर नीचे होगा। 50-25 रुपया इससे ज़्यादा का ऊपर नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो टाटा का रेट हम आपको बताया है 10 mm का रेट और 12 mm का, उसी में 50-25 आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। मार्केट में थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहता है हर एक दुकान में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये रेट चल रहा है सरिया का भी, ठीक है ना। अगर आप लोकल में लेते हैं तो 5400 से स्टार्टिंग है, 5400-5500 में हो गया केसर सरिया, रूपाली सरिया, ठीक है ना। ये सरिया आपको 5400 रुपये क्विंटल बिक रहा है। मगध, बाल मुकुंद, कामधेनु, K2, नीलकमल, ये सभी सरिया 5700, किसी का 5800 है, किसी का 5900। बाल मुकुंद 5800 है, मगध 5900 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। कामधेनु सरिया जो है ये आपको 6000 रुपये आज प्रति क्विंटल देखने को मिला है। तो ये रेट अभी सरिया का चल रहा है लगभग 6000 रुपये तक। 6200 के भीतर आपको कोई भी ब्रांड सरिया अगर लीजिएगा तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बालू की, बात कर लेते हैं। तो बालू की बात करें तो देखिए बालू मार्केट में बहुत से ऐसे भाई हैं जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं घर बनाना, तो उनको ज़्यादा बालू की ज़रूरत होता है, तो उनको ट्रक से लेने में ज़्यादा फायदा होगा। तो एक भाई हमसे कमेंट करके पूछे हैं कि सर 700 CFT वाला ट्रक जो है बालू वो कितने रुपये मिलेगा, ठीक है ना। 700 CFT वाला, तो 700 CFT वाला के बालू का जो रेट है अभी मार्केट में ये आपको 38000 रुपया में 700 CFT का बालू आपको मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं 500 CFT के, ठीक है ना। तो 500 CFT हाइवा अगर बालू लेते हैं ना दोस्तों तो अभी जो है 30000 रुपया में जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा 500 CFT हाइवा का, ठीक है ना। वही थोड़ा बहुत का अंतर होगा, 200-400 रुपये का, इससे ज़्यादा का डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। और ट्रक से बालू लेने में आपको फायदा ये होता है कि उसमें बिल्कुल कसा कसा जता जता हुआ बालू जो है आपको रहता है। और फायदा एक ये भी है कि आप बालू मंगवाएंगे ना ट्रक से बालू मंगवाएंगे तो आपको घर पर जब आ जाएगा ना ट्रक तो वहाँ पे जो बालू रास्ते में आकर के धस धस जो जाता है ना दोस्तों, धसता हुआ बालू आएगा आपको उधर से, बिल्कुल परफेक्ट बालू आएगा। और यहाँ पे आप घर पे आकर के नापी कीजिएगा या फिर घर पे ही आपको नापी कर दिया जाएगा कि इतना फिट लम कितना सी एफ टी जो है आपको बालू हुआ है। तो जितना सी एफ टी बालू होगा घर पे उतना सी एफ टी का बालू का पैसा आपको जो है देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें फायदा होता है कि घर पे आकर के रास्ते में बालू जता जता मिलेगा, यही ट्रक से लेने में फायदा होता है। और 1000 CFT का बालू की बात करें दोस्तों तो 1000 CFT बालू का रेट जो है ना दोस्तों अभी 55000 रुपया में 1000 CFT 12 चक्का वाले ट्रक से बालू आपको मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है ना दोस्तों। तो यही रेट अभी मार्केट में चल रहा है आज का, ठीक है ना। तो आप लोग भी चाहे तो मार्केट में जाकर के एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। और आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो को की जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।